और ये चेक करो, ये रही हमारी सुपरा की नई पार्किंग। 50,000 कमेंट सिस्टम। अगर इस ब्लॉग पर 50,000 कमेंट केवल सिस्टम के आएगा गाइस, तो हम लोग अपना सिस्टम का गाना ड्रॉप कर देंगे 1 तारीख को। लोग बोलते थे ना कि बाबू भैया इतनी गाड़ियां तो ले रहे हो, एक पार्किंग ही बना लो। तो ये ड्रीम गैराज बन रहा है हमारा। अपनी सुपरा की चाबी ये लो। सिस्टम पैड का साला छोर टोर में। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत हो रही है घर से। हाँ सैंडी, मुझे पता है मैं बहुत दिन से बाहर था, इसलिए आप गुस्सा कर रहे हो मेरे पे। फाइनली गाइस, इतने दिन बाद घर से व्लॉग की शुरुआत। आई एम रियली हैप्पी, चेक दिस आउट। कौन है जुलू? घर वाले व्लॉग लोग आपको मिस कर रहे थे, पता है आपको व्लॉग में मिल भी थी, तो बाल भी आ गए, अब तो जुलू पहले जैसे सुंदर हो गया है। हाँ जुलू, सैंडी भी गाइस इज डूइंग ऑल फाइन। इसका ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हो गया। फिलहाल ये चिड़ रखी है मेरे से कि मैंकर कहाँ था। इनके साथ में रहते ही नहीं, बहुत कम होता है गाइस घर पे रहना आजकल। बट पहुंच चुके हैं हम लोग घर। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट डला, बिकॉज आया थक गया था बहुत ज्यादा। देन आई स्लेप्ट फॉर 1 आवर। 3:44 पे व्लॉग आता है, नॉर्मली आज 4:44 पे गया। बस इस वाले व्लॉग में ना बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बट उससे पहले गाइस मम्मी से मिलाते हैं आपको। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सिस्टम हैंग। तू ऊपर आ जा, इधर तू, इधर दिख दिख दिख, आ जा, चलो जा। आगे मम्मी का प्रोटेक्टर थॉर आ चुका है मम्मी का, मम्मी को बचाने के लिए। हाँ जू, मेरी मम्मी नहीं है, आपकी मम्मी है। क्या हाल है मालकिन? गाइस फाइनली इतने दिन बाद मम्मी से मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। जुलू क्या हुआ, क्या हुआ, खांसी होगी क्या? एंड द थिंग इज बॉयज, इन दोनों को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी कैसे हो आप, इतने दिन कैसे, क्या मजा है? गाइस इतने दिन बाद मम्मी से मिल रहा हूँ ना, एंड द थिंग इज नाश्ता आज मम्मी का, मैं वही बोलने वाला था, मम्मी का हाथ का नाश्ता करके। मैंने मम्मी ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए थे, मैं गया था 9 को, 7 को चला गया था ना, तो 27 ही लगा लो, 20 दिन बाद मम्मी के हाथ का नाश्ता खाया। एंड तब जाकर के ना आज जान आई है। मैं ना बहुत इरिटेट हो गया था वो मैगी खा के, मैंने दुबई में केवल मैगी खाई है मम्मी, सच्ची में आपकी कसम। सुबह से शाम तक बस हम लोग गाड़ी के काम में रहते थे। और क्या बोलती हो, सपना पूरा होने वाला है आपका, दुबई नंबर। आपने मम्मी सोचा था कभी कभी दुबई नंबर प्लेट की गाड़ी में बैठोगी? आपने सोचा था आप दुबई नंबर प्लेट की गाड़ी में बैठोगी? सोचा ना आपने? मम्मी अपने व्लॉग्स देखे पूरे? आज भी देखा अभी। मैं ना गाड़ी वहां से शिप ही करा के आया, बिकॉज मेरे को था एक दिन फ्लाइट छूट गई, तो मैंने कहा मम्मी वहां से गाड़ी शिप करा करके आएंगे। और आज जिस दिन ये व्लॉग अपलोड होगा उस दिन तारीख होगी 28 तारीख। मात्र आज से 4 दिन बच चुके हैं हमारी गाड़ी लाने के लिए, 4 days टू गो। फर्स्ट को हमारी गाड़ी इंडिया पहुंच जाएगी मम्मी, और सब कुछ सारे काम हो गए, सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गए। जब यहाँ से निकल रहा था ना तो विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई करा लेंगे काम, बट वी डिड इट बॉयज, ऑल बिकॉज ऑफ ब्रोसेना एंड आप लोगों की आशीर्वाद से। पापा को पता है सारा काम हो गया, बट द थिंग इज मैं वहां पर तो काम करा ही रहा था और इंडिया में भी काम करा रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने ना सुपरा के लिए नई पार्किंग बना दी है। आपको पता है मैंने ऊपर एक जमीन खरीदी थी घर बनाने के लिए, बट बीच में मैं घर बना नहीं पाया था, तो वाली जमीन पे मैंने ना पूरा काम शुरू करा दिया था सुपरा की पार्किंग के लिए। आई जस्ट वोक अप गाइस, पहले तैयार होता हूँ, फिर तैयार होकर के आपको दिखाता हूँ कि हमारी नई सुपरा कहाँ पर पार्क होने वाली है। तैयार होकर मिलते हैं आपसे। ओके बॉयज, हम लोग हो चुके हैं रेडी। एंड ये लो मेरी माँ अपनी सुपरा की चाबी, ये लो। दो है, एक उसके साथ आ रही है और एक हमारे साथ है। और ये लो रिमोट भी, इस रिमोट से वो रंग बदल सकती है वाले रिमोट है। चाबी संभाल के रखना, ये चाबी फॉर श्योर संभाल के रखना, खोना होना मत, क्योंकि दो ही चाबी है मेरी माँ, सारी चाबी संभाल के रखी थी। चूल्हे कैसे चिड़ रहे। और ये चेक करो हमारी चुंदर सी बीती, हमारी चुंदर सी बीती ने बिंदी भी लगा रखी है आज तो। हमारी जुलू, जुलू बिंदी लगाई आपने, आपने बिंदी लगाई तो बस कुछ दिनों में आ जाएगी ना, फिर तो मस्त घूमेंगे। बगल में मैं घूमूंगा और बगल में आप घूमना, ठीक है? पापा को छोड़ देंगे। मैं तो पापा ही हूं। पापा को कहां बिठाएंगे, दो ही बंदे बैठ सकते हैं मम्मी, ऊपर बैठाएंगे छत में। पापा को वही ऊपर बिठाएंगे। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ पार्किंग की जगह दिखाने के लिए, जहाँ पर हम लोगों ने नया काम शुरू करा है। पापा ही है हमारी, क्या सारी बुनियाद तो पापा ही है। एग्जैक्टली गाइस, पापा के कारण ही हो रहा है सब कुछ। मजाक कर रहा था, पापा को पीछे घुसा देंगे जहां हर्ष घुसा हुआ था। सो हेमलो जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द वर्ल्ड नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म परिमैच। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ गाइस, परिमैच को ना हजारों मिलियन प्लेयर्स एंड सेलिब्रिटीज यूज करते हैं, एंड आपके बाबू भैया खुद परिमैच पे गेम खेलते हैं गाइस। सबसे अच्छी बात परिमैच की है गाइस, इट्स अ यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, हैज अ वैरायटी ऑफ गेम, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट्स सेफ एंड सिक्योर। एंड यहाँ पर आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं, लाइक रोलेटी, अंदर बाहर, या फिर इंडियन हॉटेस्ट कार्ड गेम, और या तो फिर स्पिन अ विन, जहां पर आप गाइस अमेजिंग प्राइसेस जीत सकते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन परिमैच।
एंड इतना ही नहीं, एक और अमेजिंग चीज बता देता हूँ, परिमैच ना 1,05,000 का वेलकम बोनस दे रहा है गाइस कैसीनो गेम्स पर, जो कि अब तक कोई भी नहीं दे रहा है शायद। नॉट ओनली दिस गाइस, दे हैव गॉट ओवर 5,000 कैसीनो गेम्स, लाइव कस्टमर सपोर्ट, लोकल पेमेंट ऑप्शन जहाँ से आप इजीली डिपॉजिट कर सकते हैं, एंड लाइटिंग फास्ट विड्रॉल, जो जीता हुआ पैसा है वो आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं गाइस। एंड इतना ही नहीं, परिमैच पर आपको डेली एंड वीकली प्रमोशंस एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे दैट रिवॉर्ड्स यू ओनली बाय प्लेइंग। तो देरी किस बात की गाइस, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में परिमैच का डाउनलोड लिंक दे रखा होगा, अगर आप मेरे लिंक से जाकर के साइन अप करोगे तो वेलकम बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विन अ लॉट ऑफ ह्यूज प्राइजेस। तो डाउनलोड परिमैच नाउ और बाबू भैया के इस लिंक से जाकर साइन अप करो एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। ओके गाइस, ये सेकंड टी शर्ट चेंज कर रहा हूँ आज के लिए, बिकॉज वाली अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा कुछ चटक पटक पहना जाए। फिलहाल चेक दिस आउट, हमारी हाई लेग्स के आगे ना भी नंबर लगना बाकी है, एक्चुअली कल परसों में नंबर लग जाएगा। मेरे को टोयोटा वालों के पास भी जाना है, उन्होंने सर्विस तो करी बट इंश्योरेंस सर्विसेज बहुत खराब है टोयोटा हाई लेग्स की। चेक दिस आउट, लगा दिया बढ़िया लग गया ना, उन्होंने ये ठीक करा ना, उन्होंने ये ठीक करा गाइस, ये वाला पैनल भी निकल गया था ना, उन्होंने ये ठीक करा। इंश्योरेंस क्लेम ऑलमोस्ट ले लिया 10,000 रुपए, फाइल चार्जेस ले लिया 10,000 रुपए, और ये ना ही ठीक हुआ। बट टायर चेंज हो चुके हैं गाइस, नए टायर लग चुके हैं, उसके लिए भी मेरे को 75% ही क्लेम हुआ, बाकी 25% पे करना पड़ा। एंड मीटर दादी गाइस, दादी बोल रही मेरी फोटो नहीं ले रहा तू। अब आओगे दादी, आपकी फोटो आ रही है। हाँ, हम लोग निकल चुके हाई लेग्स में, और मैं हाई लेग्स लेकर के इसलिए निकला हूँ बिकॉज द थिंग इज मुझे वापस घर आना पड़ता है। एंड द थिंग इज वहाँ आप सामने देख रहे हो, वहाँ हमारा पार्किंग का काम चल रहा है। रियली एक्साइटेड टू सी इट गाइस, लेट अस गो एंड चेक करते हैं कितना काम हुआ है यार। ओके बॉयज, हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, और ये चेक करो, ये रही हमारी सुपरा की नई पार्किंग। ऑलमोस्ट काम हो ही गया 70-80%। मेरे को एक्चुअली रोज अंकित भाई फोटोज भेज रहे थे, पापा वीडियोस भेज रहे थे, पापा यहीं पर थे काम कराने के लिए। एंड ये चेक करो, ये एरिया हम लोगों ने पूरा खरीदा था। ये रिमेंबर जब हम लोगों ने एरिया खरीदा था, उस टाइम यहाँ पर घास घूस थी, तो उस टाइम इतना एरिया बड़ा नहीं लग रहा था, बट बाउंड्री करने के बाद यहाँ पर हम लोग कम से कम ना 12 गाड़ियाँ आराम से पार्क कर सकते हैं, बिकॉज 1, 2, 3, 4 गाड़ियाँ, दुष्यंत 4 गाड़ियाँ तो आराम से आएंगी, पीछे 4 गाड़ियां, पीछे 4 आगे और 4 आगे, ऑलमोस्ट 12 गाड़ियां हमारी खड़ी हो सकती है। एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ इसलिए 12 गाड़ियां बोल रहा हूँ। एंड द थिंग इज, हम लोगों ने पीछे टिन शेड करवा दिया, बिकॉज सारी गाड़ियां यहाँ पर नहीं रहेंगी, कुछ गाड़ियां रनिंग में भी रहेंगी। तो द थिंग इज वहाँ पर हाईलेक्स, सुपरा और थार खड़ी हो जाएगी 3, और अगर बाइकें खड़ी करने की जरूरत पड़ी तो हम लोग कर लेंगे, बट घर पे इनफ जगह है, अब कोई से भी गाड़ी बाहर खड़ी नहीं होगी। लोग बोलते थे ना कि बाबू भैया इतनी गाड़ियां तो ले रहे हो, एक पार्किंग ही बना लो। सो ये ड्रीम गैराज बन रहा है हमारा, ऑलमोस्ट पे भी भयंकर खर्चा आ रहा है, बट मेरे को ये कराना ही था, एक जगह पूरी गाड़ियों के लिए चाहिए थी, क्योंकि घर तो है हमारे पास ऑलरेडी, हमने फ्लैट भी ले लिया, बट एक अपनी सिक्योर पार्किंग होना बहुत जरूरी था। एक टाइम पे कहते थे लोग पार्किंग नहीं है, अब फ्लैट घर तीन पार्किंग हो गई, 20 गाड़ियां खड़ी कर लो चाहे, अब 20 गाड़ियां आराम से खड़ी हो सकती हैं। एंड द थिंग इज, हमारी सुपरा 1 तारीख को पहुंची इंडिया में, सो प्रोबेबली 1 तारीख तक ये सारा काम हो जाएगा। अंकित भाई को मैंने डंडा कर रखा है, मैंने कहा प्लीज थोड़ा सा जल्दी काम कर दो, बिकॉज मेरे को सुपरा घर के बाहर नहीं खड़ी करनी। सो यहाँ पर पार्किंग होगी, सिक्योरिटी के लिए हम लोग CCTV कैमराज एंड इवन इंफ्रारेड कैमराज भी लगाएंगे रात के लिए, बिकॉज मेरे को कोई दिक्कत नहीं चाहिए अपनी सुपर कार के साथ। एंड द थिंग इज गाइस, हम लोग यहाँ पर ना शॉक वायर भी लगा रहे हैं ऊपर, हाई वोल्टेज जस्ट टू बी सिक्योर, बिकॉज दीवार छोटी है, गैराज बंद होगा, बट स्टिल कोई क्रॉस ना कर पाए, बिकॉज यहाँ ऑलमोस्ट 3-4.5 करोड़ तक की गाड़ियां तो खड़ी होनी है सब कुछ लगा करके। फिलहाल सिनेमैटिक चेक करें आप। सिस्टम पैड का चला छोर टोर मैं गाड़ी पर जाना तुम मैठा मैं जिटी रोड पे सिस्टम पैड का चला छोर टोर गाइस, फ्लैट का काम धीरे धीरे चल ही रहा है, बट एक प्रॉब्लम है देहरादून में, यहाँ पर ना रोज बारिश होती रहती है, तो उस कारण से नीचे फ्लोरिंग का काम अभी रुका हुआ है। आई होप कल परसों में बारिश ना हो तो फ्लोरिंग का काम कल परसों में हो जाएगा। कल होगी गाइस 29-30 तारीख, तो आई गेस 31 तक फ्लोरिंग का काम हो जाए, तो भी हमारे पास 4 दिन और लगेंगे सुपरा को देहरादून लाने के लिए, क्योंकि हम लोग चला करके लेके जाने वाले हैं। हाई लेग जाएगी साथ में सुपरा को लेने के लिए, एंड इतने दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो गैंग से मिलना तो बनता है गाइस। भव्या घर पर है, रितिका को भी बाहर से पिक कर रहे हैं, तो फटाफट लेने चलते पूरी गैंग को। एंड आज शायद हम लोग भव्य के घर जाएंगे, क्योंकि उससे भी मिलना है मेरे को, और उसको भी बहुत सारी गुड न्यूज़ देनी है। एक्चुअली गाइस, उसके घर में ना 13वीं भी है, उसकी ताई जी की डेथ हो गई थी, सो बीच में ना सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था, उसकी ताई जी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, वो हॉस्पिटल में थी एंड शी कुडंट मेक इट, सो आज 13वीं उनके घर पे, मेरा जाना बहुत जरूरी है। सो पहले रितिका को पिक करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे गाइस भव्य से मिलने के लिए। मैं मेरे भैया गेल गाड़ी चला चला रेल स्कूल में बेसक पास को नहीं मारे आगे सारे फेल। ओके बॉयज, बाबू भैया फाइनली चला रहे अपनी इंडियन रोडों पे गाड़ी। चेक दिस आउट, अभी राइट व्हील ड्राइव है,
एंड हमारे पास राइट व्हील और लेफ्ट व्हील ड्राइव दोनों गाड़ी होने वाली है। फिलहाल अभी इतने दिन से मैं दुबई में गाड़ी चला रहा था ना, तो मेरे को राइट साइड का आइडिया हो गया था, बट अब मेरे को ना लेफ्ट साइड से बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे को लग रहा है कहीं लग ना जाए, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन हो रखी है अभी फिलहाल। तो मैं इसे भी अभी धीरे धीरे चला रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता ये इंश्योरेंस से अब भी आई है फिर कुछ दिक्कत हो। बट गाइज इतना अच्छा लग रहा है ना, अपने भारत जैसी रोड है गाइज, भले ही वी आर स्टिल डेवलपिंग, बट इंडिया जैसी वाइब किसी और देश में नहीं है भाई। हर जगह लोग प्यार करने वाले मिलते हैं और एक अपनी फीलिंग आती है ना, वो इंडिया के अलावा शायद नहीं आ सकती कहीं पे भी। दुबई में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बट इंडिया के लोग यार मोहब्बत, सब लोग मिल रहे, पूछ रहे बाबू भैया सुपरा कब, सुपरा कब। मैंने कहा आ रही है बॉयज, थोड़ा सा वेट करो। लाल गाइस ऋतिक अभी पहुंच चुकी है फ्लैट पर, मैंने उसे फ्लैट पर ही बुला दिया, तो वो वेट कर रही है हमारा। एक्चुअली चाबी हमारे पास है, सो फटाफट फटाफट चलते हैं, मिलते हैं उससे। हाँ भाई क्या हाल है, बढ़िया। थैंक यू सो मच भाई, यहाँ नहीं आएगी भाई, वो वाला ब्रेकेज है ना वहाँ से नहीं हो सकता। अपने पापा को बोलो यार रास्ता रुकता है, बढ़िया भाई फिर लेके आ जाएंगे हम लोग। बाबू भाई पर आपकी हाइलाइट्स अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच भाई, भी सर्विस होकर के आई है। हाँ ये टायर पंचर हुआ था। हाँ चलो बाबू यार कभी बाइक भी ला जाएंगे ना, सुपर डन, नेक्स्ट टाइम पक्का लेकर के आएंगे भाई। बाय 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 बाय। व्हाट इज अप, किससे मिलना है मे मेरा फ्लैट है, क्या हाल चाल, बंद करके ऊपर जाके। ओके गाइस चेक दिस आउट, हम लोग फ्लैट में पहुंच चुके हैं, क्या हाल है, बढ़िया। चार बच्चे अडॉप्टेड जिन्हें मैंने ले रखा है, बट गाइस फ्लैट नहीं बोलूंगा बिकॉज अब मैं इसे घर बोलूंगा। मेरे बैक एंड पे बहुत सारी चीजें भी हैं, लोग बहुत खुश होने वाले हैं चेक ये चेक करके। चेक दिस आउट, ये भाई ये तो घर बन चुका है यार, और कुछ भी चेंजेस करेंगे। ओ भाई शूरा आगे आ गया गाइस, ये चेक करो, घड़ी गुड़ी भी लग गई भाई हमारे फ्लैट में, तो यार ये तो मस्त बना दिया। फिलहाल फ्लैट तो आप चेक कर रहे हो, और ये चेक करो गाइस, ब्रो सेना की टी शर्ट्स आर हियर। मैं आपको बता रहा था ना कि हम लोग सुपरा लेके राइड करेंगे, सो उस राइड पर ये सिलेक्टिव 1000 लोगों की टी शर्ट हम लोगों ने और ऑर्डर करी है, जो भी हमें रैंडमली मिलेगा इफ दे विल आस्क फॉर मर्च गाइस, आप उनसे ले सकते हैं ऑफलाइन मर्च भी। बट रियली हैप्पी घर पहुंच करके, एंड अच्छा सा लग रहा है। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके थे फ्लैट पे, एंड खाना खुना खाया मस्त हम लोगों ने, एंड उसके बाद आई स्लेप्ट बिकॉज मैं सो नहीं रखा था। बट द थिंग इज गाइस, आज के इस व्लॉग में एक बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज है गाइस, लेट मी जस्ट टेल यू। आप लोगों को पता है हमारे एल्विश भाई राव साहब जा रखे हैं बिग बॉस के अंदर, एंड जिन्हें पता है उन्हें पता है कि जब मैं अपने लोएस्ट पॉइंट पर था लाइफ में ना, तो ही सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। मैं दुबई में था इसीलिए मैं फुल सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, बट अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया, सो राव साहब के लिए ना हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं गाइज, एंड वी रियली वॉन्ट हिम टू विन द शो। अपने एंड से जितना कुछ होगा ना, वोटिंग एवरीथिंग मैं सब जगह शेयर कर देता हूँ, बट एक चीज़ जो हम लोग राव साहब के सपोर्ट में ड्रॉप करने वाले हैं वो है गाना गाइस। हम लोग एक गाना ड्रॉप कर रहे हैं एल्विश भाई के सपोर्ट के लिए, जिसका नाम होगा सिस्टम। एंड द थिंग इज, मैंने ना रैंडमली इंस्टाग्राम पे सुबह स्टोरी डाली कि मैंने कहा अगर इस रील पर 200,000 कमेंट हो गए तो मैं इसी हफ्ते गाना ड्रॉप कर दूंगा। एंड चेक दिस आउट, ये रील ना मैंने 6 घंटे पहले डाली थी, और चेक दिस आउट 6 घंटे में ऑलमोस्ट 218,000 कमेंट हो चुके हैं भाई। ब्रो सेना खतरनाक हो तुम, मुझे पता है मैंने आप लोगों को जो आज तक बोला है ना, हमेशा यू डिड इट एंड घोड़े खोल दिया हर चीज़ के, बट राव साहब की आर्मी और ब्रो सेना के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ब्रो सेना एल्विश भाई ने उस टाइम हमें सपोर्ट करा था, तो अब हमारी बारी है राव साहब को सपोर्ट करने की बिग बॉस OTT में। एंड मैं आपको गाना सुना देता हूँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना गाना कैसा लगा। एंड अगर गाइस इस व्लॉग पर क्या कितने कमेंट का एम बोलू रितिका, 50,000 कमेंट सिस्टम के। ओके गाइस ने बोल दिया है, अगर इस व्लॉग पर 50,000 कमेंट केवल सिस्टम के आए गाइस, तो हम लोग अपना सिस्टम का गाना ड्रॉप कर देंगे 1 तारीख को। 1st of August को सुपरा की डिलीवरी है, एंड उसी दिन हम लोग अपना गाना भी ड्रॉप कर देंगे सिस्टम। फिलहाल मैं आपको गाना सुनाने वाला हूँ, एंड कॉमेंट सेक्शन में लेट मी नो गाइस ये गाना कैसा लगा। सिस्टम हैंग होने वाला है, सिस्टम पैड का चल छोर टोर में, चल टोर में कट्टी बजा मैं तुम्हें
बैठा मैं जिटी रोड पे जिटी रोड पे जिटी रोड पे सिस्टम पैड का चल ढोर ढोर मैं चल ढोर मैं बोले पापा की केर पत्थर रब मौज मैं मेरे भैया गिल गाड़ी चले चले रेल स्कूल में बिसक पास कुनी मारे आके सारे फेल गाड़ी सारे ढड़ की चले राव साहब की रुका मर ठाठा जो सुपर एक जीरो सात की जो सा ज्यादा हवले उसकी मर रोड का डे लखा में एक संदूक में करोड़ आमे डॉक्टर ली गाने ने ना कोई रोक पावे एक बार मिली वा छोड़ ना मन छोट पावे कमेंट सेक्शन में लिख दो यार कैसे लगा बाय सिस्टम हैंग होने वाला है ब्रो सेना और रॉस ऑफ की आर्मी एक ऑफ अगस्त को हम लोग 3:44 PM पे गाना ड्रॉप कर रहे हैं एंड गाइज इस ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में सिस्टम 50,000 सिस्टम के कमेंट तो 1 तारीख को गाना आएगा सिस्टम पैड़ का चल छोर टोर मैं